यहाँ पर बस यातायात सेवा बहाल की गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सवारियां नहीं मिलने के चलते बस संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संचालकों का कहना है कि बलौदाबाजार से रायपुर, बिलाईगढ़, सरसीवा, भाटापारा के लिए चलने वाली बसों में 2 से 3 सवारियां ही मिल रही हैं और ऐसे में खर्च निकालना भी मुश्किल है। बसों का संचालन जल्द ही बंद करना पड़ेगा। गाड़ी खड़ी है 2 घंटे से, 3 सवारी है। आज सुबह हम लोग यहाँ से रायपुर के लिए 10 गाड़ी निकाले हैं, जिसमें से एक गाड़ी 150 रुपये का पड़ती है और वहाँ से वापसी जो है ना 2 घंटे में गाड़ी का भाई 500 रुपये मांगे। आप बताइए कैसे होगा? डीजल तो डीजल स्टाफ का ही खर्चा ही निकल पा रहा है। 500 रुपये में लगभग खुलता है गाड़ी रायपुर से, रोड में सवारी है नहीं। क्या लग रहा है कि किस किस कारण सवारी नहीं मिल रही? कोरोना की वजह से सवारी नहीं मिल पा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहे हैं कि दो सवारी है तो कहाँ ले जाएंगे, हमारे डीजल का पैसा नहीं निकलेगा। ऐसे में फिर कैसे जाओगे? कैसे करे, अब देखो सवारी मिलेगा तब जाएंगे। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अनलॉक के बाद